उन्होंने बिल्कुल उनसे कॉपरेट नहीं किया है। क्या इसलिए कि कॉरपोरेशन और रिपेयर बोर्ड का दबाव लाकर वैकेशन नोटिस इन्होंने लगवाई और उन गरीब बेचारे भारत के घर जो थे, जो महानगर पालिका की बिल्डिंग थी उसको गिरा के रख दिया। जहां पर मैयत हो गई तो मैयत को निराने का पानी तक नहीं था। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे गद्दारे से जिसने 10 साल के अंदर ना बालवाड़ियां बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, ना ईएनटी सेंटर बनाया, ना बच्चों की ना फिटनेस सेंटर बनाया, क्या ऐसे आदमी को आप विधानसभा में भेजोगे कि जिसने मौलाना आजाद कॉरपोरेशन का फंड तकसीम नहीं किया, सिर्फ बिल्डरों के साथ मिलकर अपनी पूंजी को बढ़ाते चले जा रहा है, लेकिन गरीबों का कोई दर्द है? अगर इनमें हिम्मत है तो 10 साल की इनकी कारकर्दगी देख लो और आपके इस नासिस की कारकर्दगी देख लो तो आप इस बात का पता चलेगा कि जीरो है सिर्फ बिल्डरों के साथ, बिल्डरों के मफाद को लेके तो तमाम बिल्डरों के कितने बाल वाले हैं जो आवाम को धोखा देते, सिग्नेचर ले लेते और सालों साल तक इनकी इमारत बिचारों की बनती नहीं है। आज बिचारे कई लोग बेघर होके पड़े हैं, वो गरीब है, इसके लिए बिचारे इन लोगों को ऐसे धमका कर इनकी सिग्नेचर ले लेते और ये इसी हल्के के अंदर एक इमारत नहीं कई इमारतें ऐसी है। जब विधानसभा के अंदर जब रिजर्वेशन की बात आती है तो सिर्फ ऐलान करते, जीआर निकालते नहीं है। कौन सा इसने इंसाफ किया है? चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे वस्त्री जो है तमाम बिचारे हमारे वतन के साथी है, कम से कम रास्ते बना दिया होता, कम से कम इमारतें दुरुस्त कर दिया होता, लेकिन कुछ भी नहीं, उसके पास वक्त भी नहीं है क्योंकि उसकी पूंजी जो है ये सिर्फ सवाल जहाज के अंदर सफर करना जानते हैं। गरीबों के दुख का इनको जब पानी का प्रेशर नहीं होता है, पानी बिल्डरों में चढ़ता नहीं, खस्ता हालत में इमारतें पड़ी है, लेकिन कभी तो कॉरपोरेशन के अंदर, कभी महाराष्ट्र की विधानसभा में, कभी इन्होंने कॉलिंग अटेंशन मोशन मूव नहीं किया। सिर्फ एक एनजीओ ने कहा कि ये एक नंबर है, दो नंबर है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि आपके इस खादिम को राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, लेकिन ये आवाम को धोखा दे रहे, लेकिन आप इसके जाल में कोई आने वाला नहीं है। एक अकेले आवेशी साहब थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हमारे हुकूक के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बदलने की कोशिश की। आज हमारे हिंदू भाई भी परेशान है, दूसरे लोग भी परेशान है, ये सियासतदारों के गद्दारों के साथ इनके काम नहीं करना है, इनको वोट से महरूम करना है ताकि इनको पता चले कि आवाम में एक ताकत है, हमारा मुल्क जरूरी मुल्क है, हमें इसकी कदर करना चाहिए, ऐसे लोग को वोट देना चाहिए जो आपके बीच में काम करता है, अस्पताल कायम किए, ईएनटी सेंटर कायम किए और तमाम फिटनेस सेंटर हमने कायम किए, पानी के रिजर्वायर बना किए, हर तरह की सहूलत आपके इसी पार्टी के हल्के में हमने की है। तकरीबन 20 साल विधानसभा में रहे और इसके अलावा कॉरपोरेशन में 7 साल रहे, सारे काम आपके सामने है। मेरी अपील है कि आप तमाम वोट पतंगू देंगे और दोबारा खिदमत करने का मौका देंगे। खुदा हाफिज। सलामी। बहुत खूब आली जनाब। बोलो सलीम भाई, समझ रहे? बोलो अब, बोलो समझ भाई। हो रही है आसान के बाद, आसान के बाद Thank you.